ग्रैंड हेल्थ अलायंस के डॉक्टर्स और हेल्थ सेक्रेटेरिएट के अमले के दरमियान तलख कलामी और झगड़ा। अमले ने सेक्रेटेरिएट में पुलिस बुला ली। झगड़ा डॉक्टर्स की जानिब से सेक्रेटरी के पीएसओ के नायब कासिद पर तशद्दुद करने से पेश आया। जराए अड़तालीस घंटों के दौरान लाहौर के चार अस्पताल कोरोना के मजीद 65 कन्फर्म मरीज सेहतियाब हो गए। मरीज में अस्पताल एक्सपो सेंटर पीकेएलआई और चिल्ड्रन अस्पताल में जेरे इलाज थे। मरीजों का सेहतियाब होकर वापस जाना खुश आइंद है। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद। नजरसानी अपील के हवाले से कमिश्नर के इख्तियारात में इजाफे की तजवीज़ मंजूर। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी ब्राय कानून का इजलास। सरप्लस फंड हुकूमत के हसब ज़रूरत खर्च करने की तजवीज़ से इतफाक। रजिस्टर्ड गाड़ियों की फरोख्त या मुंतकली पर 100 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी के खात्मे की शिक खत्म करने की इजाज़त। हुकूमती फंड्स की अदम फराहमी के खिलाफ केस वजीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अदालत में पेश। वकला पर मुश्किल वक्त आया तो हुकूमत साथ नहीं दे रही। ग्रांट के पैसे देकर हुकूमत ने कोई एहसान नहीं किया। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट कासिम खान के रिमार्क्स। हाईकोर्ट ने वकला की ग्रांट और इमदाद के लिए 6 रुकनी कमेटी कायम कर दी। सिफारिशात तैयार करके 27 अप्रैल को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। और कसर मीर बैंक्वेट हॉल में मलई कसत खोकर की जानिब से राशन तकसीम। 4000 घरों तक राशन की तरसील का इंतजाम किया गया है। सूबाई वजीर लॉकडाउन से मुतासिर अफराद की इमदाद। कमिश्नर सैफनजुम ने 3000 राशन बैग्स ईदी फाउंडेशन के हवाले कर दिए। रमजान और ईद के करीब लोगों की मदद करने की मजीद जरूरत होगी। अशय खुरनोज की कीमतों पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं कमिश्नर।